तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका रॉ गेमर गेमिंग चैनल पे। तो सबसे पहले हैप्पी दशहरा गाइस। और जैसे आपको बैकग्राउंड में अगर कोई ढोल या बाकी चीज़ के नॉइस आएंगे तो इग्नोर करना, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है। तो अभी हम आज बात करते हैं हैकर के बारे में। हैकर कौन है, हैकर से कैसे बचा जाए और हैकर को कैसे रिपोर्ट किया जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको पता ही है लेकिन थोड़ा रूल्स चेंज हो गए। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मेरे पास एक टॉप मोस्ट हैकर का डिटेल्स है। पता नहीं, मुझे टिकॉन गेमिंग के बंदे ने मुझे भेजा है स्क्रीनशॉट। तो जैसे आपको स्क्रीन में देख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ बंदा 15 मिनट हर मैच खेलता है और 33% हेडशॉट लेता है, और उसके बाद 32 इसका हाईएस्ट डिफीट्स है, 106 इसका केडी। इज़ इट पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल। अगर हर मैच में आप 23, मिनिमम 23 तक का आप डिफीट करते हो तो आप इस रेशियो तक पहुंच सकते हो। और 47 मैचेस में 46 मैचेस बंदा जीत चुका है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हैकर है। इसको छोड़ के अगर हम गेम में आते हैं, तो जैसे आप गेम में यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे एक बैन नोटिस है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो बेसिकली अभी हमने सबसे बड़े हैकर को देख लिया। तो भाई हैकर होते कौन है? हैकर वो होते जो गेम सबका ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे CS:GO गेम था, वहाँ पे भी हैकर आके पूरे गेम को ख़राब कर दिया। तो इसमें भी क्या होगा, हैकर्स क्या कर रहे हैं, हर लेवल पे आ रहे हैं। अब हर लेवल पे क्यों आ रहे हैं, उसका भी एक रीज़न बताता हूँ। अगर आप लोग नोटिस किए होंगे कि पबजी का हर अपडेट में हमको कंप्लीट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, 2 GB। क्यों? रीज़न ये कि पबजी अपने जो फाइल्स होते हैं ना, जो OBB फाइल्स होते हैं एंड्रॉयड के अंदर, उसमें हमेशा एंटी चीट का एक नया नया फाइल्स डालते रहता है, और लोग क्या करते हैं उसको बाईपास करके हैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पबजी अभी, अब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, अक्टूबर 8, तो पबजी क्या कर रहा है अभी, हर दिन हैकर पकड़ रहा है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, एशिया, EU, मिडिल ईस्ट, जैसे आप नीचे जाके देखोगे तो लिस्ट 28 लिस्ट है। तो हर दिन मिनिमम 1000 से 2000 प्लेयर को वो बैन कर रहा है 10 साल के लिए। लेकिन फिर भी प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले हैकिंग करना बहुत मुश्किल था, पहले फ़ोन को रूट करना पड़ता था, लेकिन आजकल बच्चे बच्चे 8 साल के बच्चे भी हैकिंग करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जैसे आप स्क्रीन में जाओगे तो लीडर बोर्ड में, अगर मैं आपको लीडर बोर्ड में दिखा देता हूँ, जैसे रीजन है इंडिया के, रीजन में भी, अगर एग्जाम्पल इंडिया रीजन में, जैसे इसको मैं रैंडमली किसी को सेलेक्ट करके देखता हूँ, तो भैया का 22 KD है और हेडशॉट 53.4%। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हैकर है, बट क्या है सीन की ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही हाई लेवल पर, टॉप 100 पे है, लेकिन सारे हैकर्स हैं। तो पबजी क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली वो अपनी ओर से ट्राई कर रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि अगर पबजी कपड़ों और क्रेट्स और टायर प्रोटेक्शन ये वो सबको हटा के अगर वो एंटी बैन पे काम करेगा ना, तो डेफिनेटली उसका गेम बहुत आगे जाएगा। और मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे पबजी गेम को फ्री में डाउनलोड क्यों किया जाता है, उसके ऊपर फ्री गेम वर्सेस पेड गेम और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि पबजी बिजनेस कैसे करता है, कैसे पबजी अपना बिजनेस सेटअप करता है, कैसे पबजी फ्री गेम के थ्रू आपके पैसे लेता है और कैसे पेड गेम आपसे पैसा नहीं लेता है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। तो अभी लास्ट चीज़ हैकर से बचा कैसे जाए, तो बेसिकली हैकर को रिपोर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप एक हैकर को देखते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हैकर के साथ आप उस सारे टीम को रिपोर्ट करें, सारे टीम को, क्योंकि हैकर क्या करता है बेसिकली, आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ, हैकर अपने दोस्तों का रैंक पुश करने के लिए हेल्प कर रहा है। और आजकल पेड हैकर्स भी आ रहे हैं, जिनको अगर आप 1000 2000 दोगे तो वो आपको काउंटर तक पहुँचा रहा है। ठीक है, तो हैकिंग करना बहुत गलत है, और अगर आप हैकर को सपोर्ट करते हो तो आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। हैकर के साथ खेलना गलत है। अगर हैकर आपकी टीम में आता तो मैच को एग्जिट कर लेना और रिपोर्ट जरूर करना, क्योंकि अगर एक बार आप बैन हो गए तो मिनिमम 10 साल के लिए आपका अकाउंट बैन होने वाला है। ठीक है, तो गाइस यही था वीडियो। वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना कि आपको पबजी गेम फ्री में क्यों मिलता है, फ्री गेम वर्सेस पेड गेम के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और भी अगर कोई टॉपिक का सजेशन है तो कमेंट में लिख देना। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।